उत्तर प्रदेश के बांदा में आज सुबह एक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों ने जैसे ही मामले की जानकारी संबंधित थाने को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना की जानकारी पर अपर पुलिस अधीक्षक ने भी मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। वहीं युवक के शव का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों को भी घटना की जानकारी दी। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के कटरा मोहल्ले का है, जहां एक किराए के कमरे में रहने वाले युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक कानपुर देहात के पुखरैया कस्बे का रहने वाला था और वह बांदा में रहकर हिमालयन की फार्मा कंपनी में काम करता था। उसी के चलते युवक को शहर की रहने वाली एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग हो गया, लेकिन आज अचानक सुबह युवक ने अपने ही कमरे में खुद को अवैध तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को लगी तो मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करते हुए जांच शुरू कर दी। वहीं जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी नगर आर के सिंह ने बताया कि आज सुबह कटरा मोहल्ले में किराए से रहने वाले एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। जैसे ही सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कोतवाली नगर में प्रखर मिश्रा नाम का एक करीब 28 वर्षीय युवक है, जो हिमालय कंपनी में MR के रूप में कार्य करता था। ऐसी जानकारी मिली है कि बांदा की एक नव युवती से उसके बातचीत होने के प्रमाण मिले हैं और सुसाइड नोट में भी इसका विवरण उसके द्वारा अंकित किया गया है। उसी बात को लेकर के उसने आज तमंचे से गोली मार करके सुबह करीब 7:30-8 बजे आत्महत्या कर लिया। मौके पर फॉरेंसिक टीम है और कोतवाली नगर पुलिस और पुलिस अधीक्षक और मेरे द्वारा समस्त साक्ष्यों के संकलन के उपरांत पोस्टमार्टम हेतु शव को भिजवाया गया है। मृतक के परिजनों के तारीफ पर धारा 306 IPC का अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है।